आप पैसे वर्मी कंपोस्ट के दें और आपको मिले ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो नज़र आ रही होगी बिल्कुल क्लियर कि बिल्कुल चाय पत्ती वांग दानेदार है। देखो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारोवाल से। आज मैं बैठा हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे, जहाँ से हम अपने वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो इकट्ठी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि आप दोस्तों को साथ साथ गाइड कर दूँ और समझा दूँ कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे कलेक्ट करते हैं, और हमारे वर्मी कंपोस्ट जो बैग्स लगे हुए हैं वो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये वाले इस तरफ आ जाएं, यहाँ से हम इकट्ठी कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। और ये मेरे पीछे लगे हुए बैग्स, और इस तरफ, और फिर ये बोर्ड का पौधा है, इसके पीछे भी ये यहाँ तक, ये हमारे सारे बैड्स लगे हुए हैं वर्मी कंपोस्ट के। और मैं अब आपको वर्मी कंपोस्ट की जो है ना क्वालिटी चेक करवाता हूँ कि कैसी है, ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट कैसी होती है, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है। और आप बिल्कुल भी, दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि धोखा ना खाएं और अथेंटिक और जो असल वर्मी कंपोस्ट है वो लें। आप पैसे वर्मी कंपोस्ट के दें और आपको मिले ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तो ये ऐसी दो नंबरी से बचें। हम इन बैड से जो है ना वर्मी कंपोस्ट इकट्ठी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ बाकी सारा तरीका। यह वाली फिलोदी पैकिंग है, स्टीकर वगैरह लाने वाला, ये वाली जी है ना ये 2 kg है, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड है जी, चाय पत्ती वांगे दानेदार है। ए थले बैड लगे हुए हैं वर्मी कंपोस्ट के, ये वेखोगे तुम कैशवा कि ज़्यादा माशाला। ठीक है जी, अच्छा ये बैड लगा हुआ कमरे के अंदर, ए भी बैड लगा हुआ कमरे के अंदर, यह वेखो कैशवे की सूट का देखो माशाला। ये आस्ट्रेलियन रेड वीगलर है जी कैशवा, ये गोबर नूं खा के ते वर्मी कंपोस्ट के, यानी कि वर्म तो है ना, वर्म खाता है गोबर नूं, तो फिर इन्हें कंपोस्ट के कन्वर्ट करता है। इनू छानने पे ए मैनुअली छानना लाया हुआ है, ये तो समान वगैरह रख छड़ी दा, ए थले छानी हुई पई है, ए वेखो तुसीं वेख सकते हो बिल्कुल चाय पत्ती वांग दानेदार है जी, ब्लैक गोल्ड। ठीक है जी, वेखो शायद तुहानूं नज़र आ रही होगी बिल्कुल क्लीयर कि बिल्कुल चाय पत्ती वांग दानेदार है। मेरा बेटा अब्दुल मतीन खान, माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ये मेरे साथ काम करवा रहा है। ये वर्मी कंपोस्ट जो मैं बेड से नीचे उतार रहा हूँ वो उठा के अंदर बरामदे में लेके जा रहा है। ये दोस्तों हमारे बेड जहाँ से हम वर्मी कंपोस्ट उतारे हैं, ये सेंटर में मैंने डेरियाँ लगा दी हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ से अभी और वर्मी कंपोस्ट उतर जानी है, और यहाँ हमारा कैचवा नीचे, ये देखिए ये हमारा कैच हुआ, यहाँ पे माशाल्लाह वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल खा के लेयर जो है ना वो तैयार कर की हुई है, ये हम बाद में उतारेंगे, फिलहाल हम ये ऊपर ऊपर से उतार रहे हैं। ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार, और ये है दोस्तों असल वर्मी कंपोस्ट, ये देखें। कभी भी धोखा ना खाएं दोस्तों, अगर चीज़ लेनी है तो पैसे आपने देने हैं वर्मी कंपोस्ट के, तो आपको मिलनी भी वर्मी कंपोस्ट ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनाब वर्मी कंपोस्ट का नाम हो और आपको मिले ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये देखें बिल्कुल दानेदार चाय की पत्ती की तरह, ये अभी हमने छाननी है छानने में, ये एक किस्म का खाम वाला भी हम छानने में इसे छानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमारा कैचवा, और मैं आपको अंडा भी दिखाता हूँ यहाँ बेड पर, ये देखें दोस्तों ये अंडा है माशाल्लाह, ये भी अंडा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडा भी है, ये भी अंडा है, ये भी, ये वाला भी अंडा है कैचवे का माशाल्लाह, ये दोनों भी, ये भी और ये भी, ये दोनों भी कैचवे के अंडे हैं, यानी कि इसे ककून कहा जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये भी वर्मी कंपोस्ट जब हम छानते हैं तो ये वर्मी कंपोस्ट के साथ ही चला जाता है अंडा भी, ये भी 2 अंडे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी अंडा है,
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अंडा भी है साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ जाता है ये देखिए। और ये सेटअप इनसे हम कंपोस्ट उतार रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कलेक्ट करते हैं। ये पट्टी की मदद से हम ना ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा हटाते जाते हैं। ये कैचवा भी साथ आ रहा है इसमें, ये कैचवा भी साथ आ रहा है। ये हम इसको यहाँ से कंपोस्ट में निकालते जाएंगे क्योंकि ये नमी ना होने की वजह से फिर मर जाता है। और चला भी जाए कंपोस्ट में तो छानने, जब हम छानते हैं, जब कंपोस्ट छानते हैं तो फिर वो छानने की मदद से निकल जाता है। ये देखिए ये आपको ये हमारा कैचवा नज़र आ रहा होगा, ये देखें बस रेगुलर असीनिया पोटीडा ऐसे हमने उतारनी है। ये कैचवा भी साथ आ रहा है, इसको बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ता है और साथ साथ आने से उठा के फिर दोबारा बैटर में फेंक के जाते हैं। ये भी साथ आ गए। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है, आप बताना है कि वर्मी कंपोस्ट असल है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।